हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, आज यहां पे हमारे पास MIUI 13 के कंट्रोल सेंटर में कुछ चेंजेस के ऑफिशियली लीक्स निकल के सामने आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप उस वाली लीक को अपने किसी भी Xiaomi के मॉडल में बहुत इजीली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकेंगे, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हम उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ का नाम हमें MIUI 13 का मीडिया कंट्रोल एडिट हमारा कर दिया गया है, वो भी हमारे ऑफिशियली कंट्रोल सेंटर में। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आप इसे अपने किसी भी Xiaomi के मॉडल में कैसे डाउनलोड एंड अनेबल कर सकते हैं, चाहे आपके पास Redmi 9 Prime हो या आपके पास Redmi Note 9 हो। तो फिर फ्रेंड्स, आपको सिंपली इस सिस्टम UI प्लगइन 1.0.2.44 के APK को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये वाला APK डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको इसमें किस तरीके से कंट्रोल सेंटर में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ से सेफ टू डाउनलोड्स कर लेना है। सेफ टू डाउनलोड्स करने के बाद आपका ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसको अपने किसी भी Xiaomi के मॉडल में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब जब आप अपना कंट्रोल सेंटर को ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे मीडिया का वो प्लेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो आपको इसमें इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट है तो आपको ये यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जिनके पास MIUI 12 है वो इसको अपने कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको भी ये वाला सेम APK डाउनलोड कर लेना है, और इस सेम APK को डाउनलोड करने के बाद उनको सिंपली एक्टिविटी लॉन्चर में जाना है। एक्टिविटी लॉन्चर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली एक्टिविटी लॉन्चर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम UI प्लगइन। तो फिर फ्रेंड्स, आप जब यहाँ पे इस सिस्टम प्लगइन को सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है प्लगइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्लगइन सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे स्वाइप डाउन जाना है, और जब आप यहाँ पे स्वाइप डाउन जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिस्टम UI प्लगइन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा इसमें Redmi Y 3 के MIUI 12 में ये सक्सेसफुली अनेबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इस वाले मेथड से अपने किसी भी Xiaomi के मॉडल में MIUI 12 या MIUI 12.5 में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास MIUI 12.5 है तो आपका ये कंट्रोल सेंटर में ही आपको ऑफिशियली मिल जाएगा, और अगर आपके पास MIUI 12 है तो फिर आप इसे एक्टिविटी लॉन्चर से सक्सेसफुली एक्सेस कर सकेंगे, आपको वहाँ पे कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।